तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है लंपी रोग से बहुत से दुधारू गायों की मृत्यु हुई है। उन दुधारू गायों की आपको सूचना देने के लिए एक फॉर्म भरना होगा जिसके अंदर पशुपालक को कुछ न कुछ आर्थिक सहायता मिलने वाली है राजस्थान सरकार द्वारा, जो कि बजट 2023-24 के अंदर घोषणा की गई थी। अब जो 2023-24 में घोषणा हुई है उनको फॉर्म भर करके आपको जमा करवाने होंगे। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ में लगाने हैं, क्या क्या दस्तावेज ला करके कहाँ पर आपको जमा करवाने हैं, लास्ट डेट क्या है, वही बात आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ई मित्र सीएससी हेल्पलाइन में। तो देखिए दोस्तों, एक फॉर्मेट जारी किया गया सरकार द्वारा, उस फॉर्मेट को भर करके आपको संबंधित डिपार्टमेंट में जमा करवाना होगा। संबंधित डिपार्टमेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि जो पशु चिकित्सक हैं, जो पशु हॉस्पिटल हैं, तो वहाँ पर आपको ये जमा करवाना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर आपको दस्तावेज क्या क्या लगानी है। दस्तावेज लगाने के अंदर जो पशुपालक होता है उसका आधार कार्ड लगाना होगा, उसका जन्म आधार कार्ड लगाना होगा, और इसके साथ साथ में एक जो पशु के कान के ऊपर एक पीला रंग का कार्ड लगा होता है उस कार्ड की फोटोकॉपी आपको साथ में लगानी होगी, और एक पशु चिकित्सक की बैंक पासबुक साथ में लगानी होगी। ये चार दस्तावेज हैं जो आपको साथ में लगा करके एक फॉर्म है, संबंधित फॉर्म भर करके, और आपके संबंधित पशु चिकित्सक अस्पताल के अंदर जमा करवा देना है, यानी कि आपके तहसील के अंदर लगभग ये बना होता है, तो वहाँ पर आपको ये जमा करवानी है। 8 मार्च 2023 3 बजे तक आप ये संबंधित फॉर्म भर करके जमा करवा सकते हो। अभी तक की यही अपडेट है कि इसकी 8 तारीख लास्ट है। अगर बाई चांस इसकी तारीख आगे बढ़ा दी जाती है तो मैं वीडियो कमेंट में आपको बता दूंगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी इसको विस्तार से बता दूंगा कि इसकी लास्ट दिनांक क्या की गई है, तो आपको वहां से पता चल जाएगी। तो हम बात करते हैं आपको फॉर्मेट कौन सा भरना है और किस प्रकार से भरना है। तो फॉर्मेट में आपको आगे वीडियो में बता रहा हूँ, इस फॉर्मेट की लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डायरेक्ट आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए हम ये फॉर्मेट देख लेते हैं आपको किस प्रकार से भरना है। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपके सामने फॉर्म, इस फॉर्म की मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आप डायरेक्ट इसको वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले आएगा वर्ष 2022 में लंपी एलएसटी रोग से मृत दुधारू पशुओं की सूचना हेतु, यानी कि 2022 में जो लंपी रोग से दुधारू जो गायें थी उनकी मृत्यु हुई है उनकी सूचना देने हेतु ये फॉर्म है, जिसमें आ गया पशुपालक का नाम, यानी कि जो पशुपालक है उसका नाम आ गया, उसके पिताजी का नाम आ गया, उसकी माता का नाम आ गया, और यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर भी डाल देना है साथ में, यानी जो पशुपालक है उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है, और यहाँ पे जन्म आधार कार्ड के अनुसार यहाँ पे एड्रेस डालना है, जैसे जन्म आधार कार्ड में जो भी एड्रेस लिखा हुआ है वो ही एड्रेस यहाँ पे डालना है। उसके बाद राजस्व गाँव, यानी कि राजस्व गाँव आपका जो भी होता है वो डाल देना है। बाई चांस राजस्व अगर आप शहरी क्षेत्र से हो तो यहाँ पर आप आपकी वार्ड संख्या भी डाल सकते हो। उसके बाद आपकी ग्राम पंचायत के अंदर आप आपकी जो भी ग्राम पंचायत होती है वो डाल दीजिए, पंचायत समिति का नाम डाल दीजिए, लिख दीजिए, जिले का नाम लिख दीजिए, आधार नंबर यहाँ पे आपको लिख देना है जो पशुपालक है जिसका आप यहाँ पे ऊपर नाम भर रहे हो उनका, जन आधार कार्ड नंबर यहाँ पे आपको डालना है, जन आधार कार्ड परिवार पहचान नंबर। अब आपको मेन प्रॉब्लम आएगी कि परिवार पहचान संख्या कौन सी होती है, तो ये मैं आपको बता दूँ, जो भी जन आधार कार्ड होता है वो 10 अंकों का होता है, उसके बाद में पर मेम्बर की एक अलग अलग आईडी होती है जो कि 11 नंबरों की होती है। तो जिस मेंबर के नाम से आप आवेदन कर रहे हो उस मेंबर के सामने उसकी परिवार पहचान संख्या लिखी होगी, तो जो भी परिवार पहचान संख्या वो आपको डाल देनी है। यहाँ पे देखिए चिरंजीवी पंजीयन क्रमांक के अंदर आपका जन्म आधार कार्ड नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है, बैंक खाता संख्या जो जन्म आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है वो यहाँ पर डाल देना है, बाई चांस बैंक अकाउंट जन्म आधार कार्ड में नहीं जुड़ा हुआ है तो जन्म आधार कार्ड में बैंक अकाउंट जोड़ दीजिए, और जो बैंक अकाउंट है वो यहाँ पे आप डिटेल डाल सकते हो। शाखा का नाम डाल देना है, बैंक का आईएफएससी कोड डाल देना है, कुल दुधारू पशुओं की संख्या, यानी कि जो पशुपालक है उसके पास में कुल दुधारू पशु कितने थे, तो यहाँ पे संख्या डाल सकते हो। जैसे मान लीजिए उसके पास में 5 दुधारू पशु थे तो यहाँ पे 5 दुधारू पशु डाल लिख देना है आपको। एलएसडी लंपी रोग से बीमार हुए पशुओं की संख्या कितनी है, 5 में से कितने ऐसे पशु हैं जो लंपी रोग से बीमार हुए हैं, बाई चांस मान लीजिए यहाँ पे 4 पशु उसके बीमार हुए लंपी रोग से तो यहाँ पे संख्या डाल देंगे 4। उसके बाद आता है बीमार हुए पशुओं के आउटडोर वार्षिक उपचार क्रमांक, संबंधित संस्था का नाम जहाँ बीमार का उपचार करवाया गया, जिस डॉक्टर से आपने उपचार करवाया है वो ये आपको बात लिख करके दे देगा, जो भी क्रमांक नंबर होगा उसका वो ऑटोमेटिक आपको लिख के देगा, आपको उससे संपर्क करना होगा। एलएसडी से मृत हुए पशुओं की संख्या, यानी कि लंपी रोग से कितने पशु की मृत्यु हो गई है उसकी संख्या, मान लीजिए कर सके पशुपालक के पास में 5 पशु थे, 4 लंपी रोग से प्रभावित हुए, 2 पशुओं की मृत्यु हो गई,
तो यहाँ पे आपको दो संख्या डाल देनी है। यहाँ पे देखिए LSD से मर्द पशुओं के INAPH टैग नंबर, यानी कि जो पशुओं के कान के ऊपर जो रेड आपकी पीली सी एक पट्टी लगाई होती है, जो कार्ड लगाया होता है, उस कार्ड का नंबर यहाँ पे आपको डालना है और उस कार्ड की आपको फोटोकॉपी भी साथ में अटैच करनी है। यहाँ पे दुधारू पशुओं की मृत्यु को स्थापित करने वाले पशु चिकित्सक का नाम DDSVO VO, तो ये आपकी चिकित्सक जो पशु चिकित्सक है आप उनसे कॉन्टेक्ट करके यहाँ पे आप नाम डाल सकते हो। दुधारू पशुओं को स्थापनकर्ता की SSID, तो यह भी आप वहाँ से लेकर कर डाल सकते हो। दुधारू पशुओं की मृत्यु को यहाँ पे देखिए प्रतिस्थापनकर्ता काउंटर वेरीफायर का नाम, तो जो भी काउंटर वेरीफायर होता है वो ऑटोमेटिक डाल देगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ तक भर के और संबंधित पशु चिकित्सक है उसको जमा करवा देनी है। जमा करवाने से पहले यहाँ पे पशुपालक का साइन करवा देना है, हस्ताक्षर स्थापनकर्ता यानी कि जो भी ग्राम सेवक वार्ड मेंबर होता है उसका साइन करवा देना है, और यहाँ पे हस्ताक्षर प्रतिस्थापनकर्ता यानी कि काउंटर वेरिफिकेशन जो भी करता है उसके यहाँ पे आपको साइन करवा करके, और संबंधित जो भी पशु चिकित्सक है वहाँ पे जाकर के आपको जमा करवा देना है। जमा करवाने की अंतिम तिथि आप सभी को मैं बता देता हूँ एक बार दोबारा से, 8 मार्च 2023 है, यानी कि 8 मार्च 2023 3 बजे से पहले आपको ये कॉपी संबंधित हॉस्पिटल में जमा करवानी होगी। तो जो डॉक्यूमेंट मैंने बताए थे वो सब डॉक्यूमेंट लगा करके आपको जमा करवा देने हैं। दोस्तों उम्मीद है आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आ गई होगी और आपको समझ में भी आ गया होगा कि किस प्रकार से आपको फॉर्मेट भरना है, भर करके कहाँ जमा करवाना है। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और आपके जो भी कमेंट ओपिनियन है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।